यूपी के बिजनौर में कुदरत के कहर ने ऐसी तबाही मचाई कि आसमान से बरसते बेतहाशा बर्फबारी में खड़ी गेहूं की फसल और पशुओं के लिए चारा पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसे लेकर किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। आपको बता दें कि बिजनौर जिले में अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश और बर्फबारी पड़ने से जहां लोगों का जीना मुहाल हो गया, तो वहीं खड़ी फसलें भी पूरी तरह बर्फबारी से नष्ट हो गई। बर्फबारी भी ऐसी कि घंटों ओले पड़ने से सड़कें तक सफ़ेद हो चुकी थी। मेरा नाम सीता है, बिजनौर का रहने वाला हूँ मैं, और यहाँ बारिश हुई है, ओला साथ में पड़ा है, बहुत ज़्यादा ओला पड़ा, तमाम बरसीन भी गेहूँ भी थोड़े बहुत ख़त्म हुआ है। नुकसान तो 1,000 रुपये का बीघे का पड़ता है इसमें नुकसान। तो क्या क्या फसलें ख़राब हुई? बरसीन है, गेहूँ है इसमें, और लाही भी है, लाही ज़्यादा नुकसान हो गया लाही में। तो अच्छा, लग जाए लगभग कितना टाइम लगता होगा आने में सब्जी? देखो, लाही में 3 महीने लगते हैं तैयार होने में, 3.5 महीने इसमें गेहूँ में लगते हैं। तो मतलब फसल बर्बाद हुई? इसमें फसल तो हो गई बर्बाद बहुत। कितना का नुकसान है लगभग? लगभग 5,000 रुपये एकड़ का तो नुकसान अब है इसमें। काफ़ी नुकसान हुआ मतलब? काफ़ी नुकसान है।